दोस्तों, आपकी जिंदगी में क्या बड़ी तब्दीली आएगी अगर आपकी करोड़ों या फिर अरबों रुपए की लॉटरी निकल आए। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि आप इसके बाद ऐशो आराम की जिंदगी बसर करेंगे और खूब पैसा उड़ाएंगे। लेकिन ठहरिए, कभी कभी इतनी रकम आ जाना बहुत सी मुसीबतें भी साथ ले आता है। एक अमरीकी वेट्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एलकाम के मुताबिक ट्विंडा डिकर्सन नामी अमेरिकी वेट्रेस, जिसकी उम्र उस वक्त लगभग 20 साल थी, एडवर्ड सिवर्ड नामी शख्स के होटल में मुलाजमत करती थी। एडवर्ड की आदत थी कि वो अपने मुलाजमीन को टिप में लॉटरी के टिकट दे दिया करता। उसने हस्ब आदत ट्विंडा को भी मार्च 1999 में फ्लोरिडा लॉटरी का एक टिकट दिया। अब इसे वेट्रेस की खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती, ठीक एक हफ्ते के बाद उसकी $1 करोड़ की लॉटरी निकल आई। लॉटरी निकलने की देर थी कि टिकट देने वाले होटल मालिक एडवर्ड स्मिथ, ट्विंडा के साथी मुलाजमीन, रिश्तेदार और इंटरनल रेवेन्यू सर्विस इनामी रकम में हिस्से के दावेदार बन बैठे और ट्विंडा के खिलाफ मुकदमात दायर करवा दिए। होटल मालिक ने मौकफ इख्तियार किया कि चूंकि ये टिकट उसने दिया था, लिहाजा उसका हिस्सा भी बनता है। साथी मुलाजमीन कहते हैं कि ग्राहकों से मिलने वाले टिप मुलाजमीन में बराबर तकसीम होती है, इसलिए लॉटरी की रकम भी बराबर तकसीम होनी चाहिए। इसी तरह बाकी लोगों ने भी जवाब तराशे और अदालत जा पहुँचे। एक मोबाइल सर्किट कोर्ट ने सिर्फ 45 मिनट मुकदमात की समाप्त के बाद ही इन तमाम लोगों को हिस्सेदार करार दे दिया और ट्विंडा के खिलाफ फैसला सुना दिया, जिसके बाद ट्विंडा ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया। सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को काला दम करार दे दिया। लेकिन एक और मुकदमा में मोबाइल सर्किट कोर्ट ने ट्विंडा के खिलाफ फैसला सुना दिया। ये मुकदमा अभी चल ही रही थी कि उसके साबिक शोहर ने रकम के लालच में अगवा कर लिया और रकम अदा न करने की सूरत में कत्ल करने की धमकी दे डाली। पुलिस ने कई हफ्ते बाद वेट्रेस ट्विंडा को बाजियाब करवा लिया। 20 साल गुजर जाने के बाद आज भी उनमें से कुछ मुकदमात चल रहे हैं और इनके फैसलों के खिलाफ फ्रीकैन अपीलें भी कर रहे हैं। यूं इतनी बड़ी रकम हाथ आने के बावजूद ट्विंडा ताहाल खाली हाथ है और इस लॉटरी की वजह से उसकी जिंदगी अजीरन बनी हुई है। दोस्तों, ये थी आज की दिलचस्प वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद मालूमाती दिलचस्प और हालात हाजरा से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।